दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी के आवाज से एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हांसी उपमंडल के दो गांव में, अलग अलग गांव में दो पॉजिटिव केस और मिले हैं कोरोना के। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं ढाणा खुर्द का। ढाणा खुर्द के अंदर एक कोरोना पॉजिटिव मिला है जो कि रोडवेज का बस कंडक्टर बताया जाता है। यह गाँव हांसी उपमंडल में पड़ता है। ट्रैवल हिस्ट्री के अनुसार डॉक्टर मोंगा जो कि सीएससी सोरखी में है, उनके अंडर आता है, तो उन्होंने बताया कि यह शख्स गुड़गांव में बस लेकर गया था और गुड़गांव में सवारियां छोड़ के आया था। जब आकर जब इसका टेस्ट सैंपल लिया गया तो यह पॉजिटिव मिला। ढाणा खुर्द के इसके 5 परिजनों को अग्रवाल धाम क्वारंटीन सेंटर में भर्ती करवाया गया है और इसे कोविड-19 हॉस्पिटल अग्रवा में भर्ती करवाया गया है और उपचाराधीन है। दूसरा केस हम बताते हैं कि दूसरा यानी कि कुंभा के अंदर यह एक प्राइवेट बस चालक था जो कि बंगाल के अंदर प्रवासियों को छोड़ने गया था। वापसी पर जब इसका टेस्ट हुआ तो रात को यह पॉजिटिव मिला और पॉजिटिव मिलते ही गांव में खलबली मच गई। इस प्रकार यानी कि 3 दिनों के अंतराल में हांसी उपमंडल में 5 केस मिलने से पूरे हांसी क्षेत्र की चिंताएं बढ़ गई हैं। कुल यानी कि हांसी क्षेत्र में 6 केसेस हो गए हैं और हम आपको दोनों की अलग अलग ट्रैवल हिस्ट्री बताते हैं। डॉक्टर यशपाल जो कि नारनौंद यानी कि सीएससी के एसएमओ हैं, उन्होंने बताया कि कुंभा गांव का यह शख्स वेस्ट बंगाल में गया था और 30 वर्षीय यह शख्स वहां से जब प्रवासियों को लौट कर आया तो इसका सैंपल लिया गया था। सैंपल लेने के बाद जब इसका सैंपल पॉजिटिव आया तो इसे कोविड-19 हॉस्पिटल अग्रवा धाम में भर्ती करवाया गया है। पूरे गांव के अंदर यानी कि पूरा सर्वे करवाया जा रहा है और हेल्थ विभाग के द्वारा यहाँ कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं डॉक्टर कामिन मोंगा के अनुसार ढाणा खुर्द के अंदर यह शख्स, इसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री हम बताए देते हैं कि यह शख्स गुड़गांव के गया था और बस रोडवेज का ड्राइवर है और यह भी पॉजिटिव पाया गया है। इसे भी कोविड-19 हॉस्पिटल यानी कि अग्रवा धाम में भर्ती करवाया गया है। इस प्रकार कुल 6 हांसी उपमंडल के केसेस होने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और चिंता बढ़ने के साथ साथ हम लोगों का भी दायित्व तो बढ़ गया है कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है। एक बिग न्यूज़ है आपके लिए, बता दें कि कुछ 3 दिन पहले उमरा गांव में भी 3 पॉजिटिव केस मिले थे और इस तरह एक हांसी का भी पॉजिटिव केस मिला था। सबकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है और आपके लिए एक यानी कि सजगता भरी खबर भी है और थोड़ा सा आपको यानी कि यह सजग करेगी, आप भी सजग रहिएगा। एक बिग न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे, मैं राजीव बंसल, मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ।